वजन बढ़ाना, खून बढ़ाना और भूख ना लगना, क्या इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी सिरप के बारे में जो इन सारी समस्या का सॉल्यूशन करेगी। वो है हिमोल्टिक सिरप, जिसको आप भली भांति डेक्सोरेन सिरप के नाम से जानते हैं। डेक्सोरेन सिरप खून बढ़ाने और एवं वजन बढ़ाने के काम भी आती है। डेक्सोरेन सिरप फ्रेंको इंडिया कंपनी बनाती है। उसकी जो प्राइस है वो है 160 रुपये और उसकी जो बोतल रहती है वो है 200 ml की। तो आज हम बात करेंगे डेक्सोरेन सिरप के फायदे क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है और उसका सही डोज क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवान सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अब हम जानते हैं डेक्सोरेन सिरप के कंटेंट्स क्या है। जो उसमें पहला है आयरन, जो रहता है 160 मिलीग्राम। उसके बाद आता है विटामिन B12 जो है 7.5 mcg। उसके बाद आता है विटामिन B9 जो है 0.5 mg और अल्कोहल रहता है 0.87 ml। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि डेक्सोरेन सिरप 14 साल के कम उम्र के बच्चों में क्या डोज रहता है, 10 साल के कम उम्र के बच्चों में क्या डोज रहता है, ये पूरी जानकारी हम देंगे। तो इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। अब हम जानते हैं डेक्सोरेन सिरप के यूजेस क्या है। तो उसमें पहला है डिफॉर्मिक एनीमिया। डिफॉर्मिक एनीमिया विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन की कमी की वजह से होता है, तो उन पेशेंट में भी डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद उसको वीकनेस आ गई हो तो भी डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। अगर किसी महिला में पीरियड्स के दौरान ज्यादातर ब्लीडिंग हो रही हो तो उनको भी डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। अगर किसी पेशेंट की मेजर सर्जरी के बाद लोह की कमी यानी कि आयरन की कमी हो गई हो तो वो बढ़ाने के लिए डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। प्रेगनेंसी में खून की कमी को रोकने के लिए डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। अगर किसी आदमी का वजन नहीं बढ़ रहा है, उसको भूख भी नहीं लगती और साथ ही साथ थकान जैसा महसूस होता है तो उनको भी डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। डेक्सोरेन सिरप में अल्कोहल होने की वजह से पेशेंट को भूख अच्छी लगती है और साथ ही साथ इससे बढ़ा हुआ वजन कम नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट को विटामिन B12 और साथ ही साथ आयरन की कमी है तो उसको भी डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को पाइल्स, बवासीर इन सब बीमारियों की वजह से खून ज्यादातर बह जाता है तो वो बढ़ाने के लिए भी डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। अब हम जानते हैं डेक्सोरेन सिरप का सेवन करने से पहले आपको कौन सी ऐसी जानकारी ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें पहला है अगर आपको हाई BP एवं लीवर किडनी की बीमारी है तो आप ये डेक्सोरेन सिरप का सेवन ना करें। अगर आपको गैस्ट्राइटिस की बीमारी है तो भी डेक्सोरेन सिरप का आप सेवन ना करें। चाय एवं कॉफी के साथ डेक्सोरेन सिरप का सेवन ना करें, क्योंकि चाय और कॉफी डेक्सोरेन सिरप में रहे आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको डिफेक्ट करती है। नींबू पानी एवं संतरे का जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है, तो अगर आप दिन भर में डेक्सोरेन सिरप ले रहे हो तो नींबू पानी और संतरे के जूस का ज्यादातर सेवन करें। उसकी वजह से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन रहता है बॉडी में वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। डेक्सोरेन सिरप में अवेलेबल कोई भी कंटेंट से अगर आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को पहले बताएं। अब हम जानते हैं डेक्सोरेन सिरप के साइड इफेक्ट क्या है। डेक्सोरेन सिरप में बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जिसमें पहला है वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट में दर्द होता है, स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है और स्लीपीनेस। डेक्सोरेन सिरप में ज्यादा मात्रा में अल्कोहल रहता है, उसकी वजह से नींद आती है, मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे डेक्सोरेन सिरप के डोज के बारे में। एडल्ट लोगों में डेक्सोरेन सिरप 15 ml दी जाती है दिन की एक टाइम। अगर कोई डॉक्टर ज्यादा पेशेंट में वीकनेस महसूस करता है तो यही डोज डबल हो जाता है यानी कि सुबह शाम 30 ml तक हो जाता है और ये डोज की जो लिमिट है वो सिर्फ 15 दिन की रहती है, उसके बाद वापिस दिन के 15 ml का डोज हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। 6 साल की कम उम्र के बच्चों में डेक्सोरेन सिरप नहीं दी जाती, उन लोगों के लिए स्पेशल डेक्सोरेन पीडियाट्रिक सिरप अवेलेबल है। 6 साल से 8 साल के बच्चों में 5 ml सिरप दी जाती है, 8 साल से 10 साल के बच्चों में 10 ml सिरप दी जाती है और 10 साल से 14 साल के बच्चों में 15 ml तक सिरप दी जाती है। ओल्ड एज पेशेंट में यानी कि बुजुर्ग लोगों में डेक्सोरेन सिरप सिर्फ 10 ml ही दी जाती है और प्रेगनेंसी के 9 महीने तक डेक्सोरेन सिरप दी जाती है। अब हम जानते हैं डेक्सोरेन सिरप में अवेलेबल हर एक कंटेंट्स की बेनिफिट्स क्या है, जिसमें पहला है आयरन। आयरन बॉडी में रहे ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ स्टमक में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन करता है और बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ाता है।
अब हम बात करते हैं विटामिन बी नाइन के बारे में। विटामिन बी नाइन बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाता है और साथ ही साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में। अगर किसी पेशेंट में और ह्यूमन में बी ट्वेल्व की कमी हो जाए तो उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेक्सोरेन सिरप कौन सी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसमें पहला है क्लोराम्फेनिकॉल, दूसरा है नियोमाइसिन टेबलेट, उसके बाद आता है बारबिट्यूरेट टेबलेट और उसके बाद आता है मिथोट्रेक्सेट टेबलेट। अगर आप ये चारों में से कोई भी मेडिसिन का सेवन कर रहे हो तो डेक्सोरेन सिरप का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी नई साइड इफेक्ट का शिकार हो रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान ले। थैंक यू।